नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार दरबार में। मैं हूं आपका होस्ट अतुल। आज हमारे पास जो गाड़ी है वो है मारुति सुजुकी सिलेरियो। अगर हम सिलेरियो की बात करें तो मारुति की ये एक सब कॉम्पैक्ट हैचबैक जो है वो काफ़ी मार्केट में डिमांड है। अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं हैलोजन बल्ब आपको देखने को मिलता है। बाकी इसमें आपको बल्ब में इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। बाकी इसका जो ग्रिल है वो आजकल मारुति सुजुकी जो सिग्नेचर ग्रिल कहते हैं उस टाइप की ग्रिल आ रही है जो कि हर गाड़ी में आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल से भी ये गाड़ी जो है पूरी वेल प्रोपोर्शनेट दिखाई देती है। कहीं से ये नहीं लगता है कि कुछ चीज़ एक्स्ट्रा इस गाड़ी में लगाई गई है। वहीं अगर हम इसके बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलता है। आपको सिलेरियो की बैजिंग और मारुति सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। अगर हम इसके बूट कैपेसिटी की बात करें तो ये CNG वेरियंट है, तो CNG लगने के बाद इसमें कोई भी बूट नहीं बचता है। विदाउट CNG इसमें 235 लीटर का बूट स्पेस रहता है। बाकी आप इसमें दो छोटे छोटे बैग रख सकते हैं। और ये गाड़ी में जो सीट लगी हुई है वो 60-40 स्प्लिट रेशियो में आती है। वहीं अगर हम इसके बैक लाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी चंकी सा बैक लाइट मिलता है। ये लाइट भी जो है बल्ब लाइट लगी हुई है इसमें, आप देख सकते हैं इंडिकेटर और ये बैक लाइट है, ये भी बल्ब में दिया हुआ है। बाकी सिलेरियो की बैजिंग और मारुति सुजुकी का लोगो लगाई हुआ है। अगर हम गाड़ी में देखें सेफ्टी के मामले में इसमें दो सेंसर भी दिए जाते हैं। पता नहीं कंपनी क्यों चार सेंसर नहीं देती है, जबकि सेंसर का कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है। मार्केट में आप जाएंगे तो आपको 100 रुपये 150 रुपये में सेंसर मिल जाते हैं, बट पता नहीं क्यों। बाकी आप देख सकते हैं इस गाड़ी में जो टायर लगा हुआ है वो 14 इंच का टायर है, तो गाड़ी की हाइट के हिसाब से टायर ठीक ठाक है। अगर हम बैक स्पेस की बात करें तो आपको गाड़ी में कुछ इस टाइप का स्पेस मिल जाता है। वहीं पे अगर हम साइड डोर की बात करें तो साइड डोर में आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाता है विंडो का। बाकी नीचे 1 लीटर बोतल आप रख सकते हैं। यहाँ पे एक स्पीकर दिया हुआ है तो ऐसा कुछ स्पेस मिलता है। और सामने आप देख सकते हैं आप वहाँ से हैंडल दिया हुआ पकड़ सकते हैं। साइड से गाड़ी कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। चलिए इसके इंजन की हम बात करते हैं। मैं बोनट खोल के आपको इंजन दिखाता हूँ इसका। इसमें लगा हुआ है 998 CC का इंजन जो कि पेट्रोल और CNG पे चलता है। अगर हम पावर फिगर की बात करें तो ये इंजन आपको 58 BHP की पावर देता है, 78 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। इस गाड़ी में आपको CNG किट भी दिख जाएगी, ये देखिए लगा हुआ है। यहाँ से आप प्रेशर नाप सकते हैं CNG का। और इस गाड़ी में आपको ABS भी देखने को मिल जाता है। अगर आप इसके बोनट की बात करते हैं, बोनट भी उतना हैवी आपको दिखेगा नहीं। अगर आप इसको थोड़ा हिलाएंगे तो ये थोड़ा शेक भी करता है। अगर हम ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देता है। ये एक चंकी सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है आपको जो कि होल्ड करने में काफ़ी अच्छा रहता है। और ये इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर कुछ इस तरह दिखता है। साइड में आपको सारे विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। और ये आपको CNG टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG कन्वर्ट करने के लिए मिल जाता है। और ये आपको हेडलाइट लेवल करने के लिए। बाकी ये नॉब्स आप देख सकते हैं, आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं अंदर से मैन्युअली। और ये कुछ इस तरह से AC वेंट दिखता है। हैजार्ड लाइट है, आपको म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाता है, बट इस म्यूज़िक सिस्टम में ब्लूटूथ नहीं है। ये थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है। ये AC के सारे नॉब्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टोरेज मिल जाता है और आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और एक ही डमी है। बाकी ये 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आपको मिल जाता है। थोड़ा दो कप होल्डर यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है। ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है। तो ये अंदर से गाड़ी कुछ इस टाइप से दिखाई देती है। गाड़ी को मैंने बाहर से अंदर से दिखा दिया, अब चलिए देखते हैं कि गाड़ी चलाने में कैसी लगती है। अगर इनिशियल पिकअप की बात करते हैं तो ये गाड़ी इनिशियल पिकअप में काफ़ी बेहतरीन उठती है।
ये लगता नहीं है, आपको महसूस नहीं होगा कि ये सीएनजी में चल रही है। पेट्रोल और सीएनजी में आई डोंट थिंक सो ज़्यादा डिफरेंस होगा, 19-20 का डिफरेंस होगा, बट सीएनजी में विथ एसी ऑन उतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं करती है। इवन एसी ऑफ करके भी आप चलाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा। सिटी राइड्स के हिसाब से ये गाड़ी जो है काफ़ी बेहतरीन है, आप सिटी में इसको बहुत ही आराम से चला सकते हैं और आपको चलाने में अच्छा भी लगेगा। बाकी ये गाड़ी जो है बम्प्स को अच्छा खासा झेल लेती है, आपको महसूस ज़्यादा बम्प्स नहीं होंगे। बट यही है कि अगर आप हाई स्पीड में किसी ख़राब सड़क से जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको झटके ज़्यादा मिल सकते हैं, बट स्मूथ रोड के लिए ये काफ़ी अच्छा है। जैसे कि अभी हम स्मूथ रोड पे गाड़ी को चला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर मैं एक शार्प टर्न लेता हूँ तो शार्प टर्न में भी आप देख सकते हैं ज़्यादा बॉडी रोल नहीं दिखाई देता है आपको, बट यही है कि वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड कितनी है। बाकी जो इसमें 1000 cc का इंजन है वो काफ़ी रिफाइन लगता है, और इस गाड़ी का जो क्लच और जो गियर बॉक्स है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्लच काफ़ी लाइट इसमें आपको मिलता है। फिर शार्प टर्न में लेता हूँ, शार्प टर्न में आप देख सकते हैं जो गाड़ी है वो थोड़ा स्टेबल ही रहती है पूरा। बट यही है कि आप इसको हाई स्पीड में ज़्यादा टर्न मत करिएगा, क्योंकि ये हाई स्पीड में मे बी शायद उतना ज़्यादा स्टेबल ना रहे, बट लो स्पीड में गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। बाकी इसके जो क्लच और गियर बॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्लच आपको काफ़ी लाइट दिखते हैं और जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी शॉर्ट हैं, तो सिटी कंडीशन में ये गाड़ी काफ़ी अच्छा चलती है। हॉर्न के मामले में भी काफ़ी अच्छा है इसका हॉर्न भी। ओवरऑल जो आपको ड्राइवर सीट पे बैठ के कमांड मिलता है, पूरा व्यू देखने को मिलता है, वो काफ़ी अच्छा दिखता है। सिटी में ये गाड़ी जो है एवरेज सीएनजी पे निकाल के देती है अराउंड 28-29 जो हमारे टेस्टिंग के टाइम पे हमें मिला था। बाकी पेट्रोल पे ये गाड़ी 17 का एवरेज निकाल के देती है। वहीं अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 4.5 लाख से 6.5 लाख के बीच में आती है। बाकी वो वेरिएंट टू वेरिएंट के ऊपर डिपेंड करती है कौन सा वेरिएंट है। ये सीएनजी वीएक्सआई वेरिएंट है, तो इसकी कीमत जो मिली थी ऑन रोड प्राइस पूरे फाइनेंस के साथ वो मिली थी 6,20,000 रुपये। तो 6 लाख के पैकेज में ये प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है मारुति सुजुकी का, तो आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं अगर आपने प्लान किया एक सिटी कार लेने के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।